नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी और किडनी की डाइट से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको आप आसानी से घर पर ही करें तो आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप अपनी किडनी को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में इन तीन चीज़ों को हमेशा शामिल करें, जिसमें पहला है प्रॉपर डाइट, दूसरा है सही व्यायाम और तीसरा है आयुर्वेद। ये तीन स्टेप आपकी ना सिर्फ किडनी बल्कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर डाइट के बारे में। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने जरूरी होते हैं। इसमें शामिल हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मटर, गाजर, मूली, खीरा, घिया, टिंडा, तोरई और सभी ऐसे फल जो सिट्रिक एसिड फलों में आते हों। इसके अलावा मौसमी फल, अनाज में सभी प्रकार की दालें, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कुट्टू, पनीर, दूध, दही और जो लोग अंडा खाते हैं वो अपनी डाइट में एग वाइट को शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन सभी चीज़ों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, अधिक मात्रा में सेवन आपको नुकसान पहुँचा सकता है। चलिए अब जानते हैं व्यायाम के बारे में। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी रोजाना की दिनचर्या में बदलाव करें, जिसमें आप कुछ व्यायामों को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ योग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कपालभाति, अर्धमत्स्येंद्रासन, प्राणायाम, भुजंग आसन, बाला आसन, नटराज आसन को शामिल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं व्यायाम के बारे में। आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी रोजाना की दिनचर्या में बदलाव करें, जिसमें आप रोजाना सुबह टहलने की आदत डालें। और अब आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जो आपको स्वस्थ रखने में ना सिर्फ आज से बल्कि सदियों से चला आ रहा है। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को जगह देते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं और आपकी किडनी भी स्वस्थ रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले विषय के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। जी, जब आए थे क्या क्या दिक्कत हो रही थी बच्चे को? सर, हम आए थे तो बहुत परेशान थे। 3 महीने पहले से भी बहुत परेशान थे ना, और उसके बाद मैं आपके पास आया तो बहुत परेशान थे हम। फिर उसके बाद आप दवा दिए है ना, तो 3 हफ्ते दवा खिलाएं तो किटनेन 13.6 था और सर अब 5.0 हो गया। सर कितना हो गया? 5.0। कहाँ से टेस्ट कराए हैं आपने? ये जनता एक्सरे का। हाँ, ये यहाँ से कराए हैं जी। इसके अंदर कितना? 13.9 इन दिस रिपोर्ट इज अबाउट 13.25। और फिर उसके बाद आपने आरएमएल से कराए हैं टेस्ट? जी, आरएमएल से कराए, 3-4 टेस्ट हुआ है। इस रिपोर्ट के अंदर जो इनका क्रिएटिनिन है वो रिड्यूस हो चुका है टू अबाउट 5। हियर इज द क्रिएटिनिन अबाउट 5 mg/dL। दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ आरएमएल हॉस्पिटल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।